नेपाल सरकारक उपप्रधान तथा गृहमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश मीटर ब्याज सामंती शोषण के नमूना रहला से जेरे से उखाड़ के फेंकबाक बतौने जनकपुरधाम में मीटर ब्याज के समस्या समाधान करवाक लेल नेपाल सरकार स्थापना कयने अनुचित लेनदेन मीटर ब्याज संबंधी जाँचबूझ आयोग के केन्द्रीय कार्यालय जनकपुरधाम में उद्घाटन करते गृहमंत्री श्रेष्ठ जनकपुरधाम में शुरू भेल आयोग के कार्यालय के सामान्य रूप में नहीं लेब समेत सब केओ के आग्रह करते मीटर ब्याज संबंधी थप अनुसंधान आ छानबीन होबाक बतौने ऋण को दो गुना चार गुना पांच गुना दस गुना बीस गुना पचास गुना को कागज कराइन्छ घर जमीन पहिले नै रजिस्ट्रेशन पास कराइन्छ कतिपय ठाउँमा त्यसपछि चाहिँ न उसको चाहिँ घर में बस्ने ठाउँ हुन्छ न खेतीपाती करने ठाउँ बाकी हुन्छ उसले आफ्नो ब्याज चाहिँ थुप्रै सावा बुझाइसकेको हुन्छ तर चाहिँ त्यसको कुनै हिसाब किताब हुँदैन फेरि धेरै गुना चाहिँ त्यो बुझाउनु पर्ने गरी उनीहरूलाई कमसुक गराइन्छ र त्यसले गर्दाखेरि कतिपय कुरा कानुनी आधार में अदालत गएको कारणले गर्दाखेरि अदालत को पनि केही सीमा होला त्यो अदालतबाट पनि पीडित भएको पनि व्यवहारमा हामीले देखेका छौँ। जनयुद्ध सहित के विभिन्न संघर्ष सामंतवादी के अंत कैल गेल रहितो मीटर ब्याज के रूप में विद्यमान रहल सामंतवाद के अवशेष फेंकब आवश्यक रहल हुनक तर्क छलन। पीड़ित आ बुद्धिजीवी सब से आयल सुझाव अनुसार विद्यमान एन के आधार में मीटर ब्याज के समस्या समाधान ठगी के संदर्भ के अगाड़ी बढ़ाकर मात्र कैल जा सकबाक भेला से आब ठोस समाधान ऐसा नहीं होबाक कहित हो अनुचित लेनदेन आ मीटर ब्याज के समस्या समाधान करबाक लेल ठोस कानून बनाब कानून संशोधन के लिए मंत्री परिषद अगाड़ी बढ़ चुकल बतौलन। मालपोत अधिकृत बैंकर का प्रतिनिधि र पीड़ितर को प्रतिनिधि सहित को एउटा संयंत्र बनाउँछ हरेक जिल्ला र त्यो संयंत्रले अहिलेको अवस्थामा आयोग बनेर काम थालिसकेको अवस्थामा आयोगलाई त्यसले सहयोग गर्ने सहजीकरण गरिदिने भूमिका त्यसको मुख्य हुन्छ तर त्यसको अतिरिक्त पनि यही प्रक्रियामा आएका उजुरीहरूको सन्दर्भमा सजिलै ढङ्गले हल गर्न सक्ने स्थिति भए आयोगको कामलाई हल्का बनाउने गरी उसले यसमा पनि भूमिका खेल्न सक्छ। त्यस कारणले यो प्रकारको एउटा संयन्त्र पनि सबै जिल्लामा अहिले बनेको छ। ओ जल्दी एन संशोधन के लिए संसद में जेबाक आ देरी है तो विकल्प के विषय में समेत छलफल भ रहा बतौने छलन। गृहमंत्री श्रेष्ठ घर जग्गा पास कक पैसा लेन देन के संदर्भ में ओहे ओहन देखल गेल तो संपत्ति खारिज करबाक अनुचित ब्याज लेने पाओल गेल में पूरा पैसा फिरता कर पड़बाक धर के कानून लाब लागल समेत बतौने छलन। छिट्टै आयोगले पनि नया कानूनी आधार में काम गर्न पाओस् र नयाँ कानुनले नै व्यवहारमा कार्यान्वयनको आधार तयार पारोस् भन्नेका निम्ति हामीले त्यस सम्बन्धी विकल्पबार पनि सोचेर अगाडि बढ्नेछौँ। मूलत पार्लियामेन्टले नै यो कानुन चाहिँ बनाउनेछ। यो कानुनले मिटर ब्याज अनुचित लेनदेनलाई परिभाषित गरेको छ र यसलाई चाहिँ अनुचित लेनदेन भन्ने परिभाषित गर्दै पीडितहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ मुक्ति दिने प्रावधानहरू राखेको छ। त्यसमध्ये एउटा जो घर जग्गा नै रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिइसकेका छ अचल सम्पत्ति त्यसलाई बदर गर्ने पनि कानुनमा हामीले संशोधन गर्न लागिराखेका छौँ। त्यति मात्रै होइन जति पैसा सामान्यतया लिनुपर्ने हो त्योभन्दा बढी लिएको देखा पर्यो भने त्यो पैसा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि हामीले कानुनमा राखेर तयारी गरिराखेका छौँ। यो ढङ्गले कानुन नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ। श्रेष्ठ हरेक जिल्लाके प्रमुख जिल्ला अधिकारी सबके संयोजकत्वमे एकटा समिति बनाकर आयोग संघे के समन्वयमे समस्या समाधानके लेल पहल भ रहल बताउने छलन। कार्यक्रममे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाक मेयर मनोज कुमार झा मध्य सरकारक शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री महेश यादव प्रदेश सांसद एवं नेकपा माओवादी केन्द्रक संसदीय दलक नेता भरत शाह आयोग के अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की सदस्य सब गणेश बाबू अरियाल आ उत्तम रासुवेदी सहित सबके उपस्थिति छलन।